हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप IRCTC में टिकट बुक करने के बाद उसको कैसे कैंसिल करेंगे और जो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ID में लॉगिन करना है। आप इसकी ID बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आप वेरीफाई यूजर हो रहा है तो इसके बाद आप देखेंगे ये जो IRCTC का ऑफिशियल ऐप्स है, इसमें आपको जर्नी सिलेक्ट करना है। माई जर्नी, यहाँ पे आप चाहो तो PNR नंबर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है, आप फेचिंग टिकट पे जाइए। इसके बाद जो आपको माई बुकिंग पे जाएंगे आप, तो आपके टिकट दिख जाएंगे बहुत ढेर सारे जो आपने बुक किए होंगे। तो देखिए आपको स्टेटस भी यहाँ पे पता चल जाएगा आपका करंट स्टेटस। व्यू टिकट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ट्रेन है वह स्टॉपेड एंड डिपार्टेड, जो भी आपको यहाँ पे स्टेटस होगा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो टिकट बुक किया हुआ था मैं इसको कैंसिल करके बताऊँगा आपको। पहले करंट स्टेट वेटिंग लिस्ट 144 चल रही है इसमें, तो करंट स्टेटस से देख सकते हैं हम, देखिए। और व्यू टिकट यानी मैंने टिकट देख लिए, टिकट इस प्रकार से मेरे नाम से ओनली, जो कुछ भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको कैंसिल करके बताएंगे कैसे कैंसिल होता है और क्या इसमें का सिस्टम है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे हैं आप फ्रेंड। तो टर्म कंडीशनल PNR स्टेटस सब कुछ आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेन का मतलब विकल्प सिलेक्ट करेंगे, कौन से मतलब के 7 ट्रेन में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन टिक कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। और फेचिंग टिकट लिस्ट, देखिए फ्रेंड ये बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट ये यहाँ से चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो ट्रेन आती है उसका बोर्डिंग चेंज आप कर सकते हैं, ये कहाँ जाती है किस जगह से, तो आपको पूरी लिस्ट इसमें आ जाएगी। क्योंकि रेलवे में हर चीज़ का सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों में रेलवे काफ़ी पीछे है। जैसे कि कंफर्म टिकट में ओनली 2 मिनट में ही सारी टिकटें बुक हो जाती हैं, कंफर्म करने की साइट 11 बजे से लगभग खुलती है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जो जो आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, आपको कन्फर्म करना है कन्फर्म कैंसिल, तो यानी कि आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, और आपका कितना यानी कि मेरा रिफंड या अमाउंट 40 रुपये मेरा बैक हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और यानी कि मैंने 100 रुपये लगे तो मेरे 60 रुपये 60% कैंसिल चार्ज होता है, जो कि रेलवे वसूलता है और बहुत ढेर सारी कमाई कर लेता है इससे। देखिए फ्रेंड, ये कैंसिल हो चुका है टिकट, तो इस प्रकार से अब मेरे मैसेज भी आ चुका है ईमेल पे भी, और वैसे मैसेज भी आ जाता है। देखिए फ्रेंड, योर टिकट हैव बीन कैंसिल्ड, ये एंड पॉलिटी विल बी रिफंड इन दी योर अकाउंट इन 3 से 4 डेज, यानी कि 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट पे 40 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, ईमेल पे भी पहुंच जाता है, आप ईमेल पे भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि आपको बता दूं कि मैंने आपको देखिए बता दिया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो रेलवे के IRCTC के टोल फ्री नंबर आप, मैंने वीडियो बनाया वहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और आप टेक्निक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो मेरे चैनल में बहुत ढेर सारी टेक्निक जानकारी जो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ फ्री में। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से कैंसिल हो चुका है, इसमें कुछ एडवर्टाइजिंग आती है उसको बैक कर सकते हैं। तो आल जर्नी पे जाएंगे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, माई बुकिंग पे जाने पर ही आपको पता चलेगा। और इसकी ID कैसे बनाते हो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, तो फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए फ्रेंड, नए नए वीडियो जरूर आप पाएंगे और आप एक टेक्निक जानकारी हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो साथ।